वर्ल्ड की बेस्ट राखी है और आप वर्ल्ड की बेस्ट दे दियो। वाह, क्या कमाल का जुगाड़ लगाया आपने। सुंदर और बेस्ट राखी। अच्छा आप चलो, मम्मी जी वेट कर रही है ना मंदिर में, चलते हैं सब। सुनो बच्चों, सब यहीं पे खेलना, बाहर मत जाना और शरारत बिल्कुल भी नहीं। चलो चलो। वो एक्चुअली मैं रोहित भैया को राखी बांधना चाहती हूँ। श्रेया। हाँ भैया, वो क्या है ना, कुछ लोगों को लगता है कि मैं आपका साथ किसी मकसद से दे रही हूँ और ऐसे ही छोड़ दूंगी, लेकिन आज ये राखी बांध के मैं आपसे प्रॉमिस करना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए हमेशा खड़ी हूँ। आपको जब भी एक बहन की या दोस्त की जरूरत होगी तो मैं यही हूँ। आप बनेंगे ना मेरे भाई। क्या हो रहा है, मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही। वैसे श्रेया, रक्षाबंधन के दिन भाई बहन से प्रॉमिस करता है कि वो जीवन भर उसकी रक्षा करेगा, पर यहां तुमने मुझे बचाया है। मैं तो जीवन के ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हार मान चुका था, एक लूजर। पर तुमने मेरा हाथ थामा, मुझे उम्मीद दी, कॉन्फिडेंस दिया, मेरी लाइफ सवारी। भाई का काम तो तुमने किया है श्रेया, मुझे बचाकर। थैंक यू वेरी मच। हो गया ना अब सब, चले अब मम्मी वेट कर रही है, चलो चलो। वाओ, ये क्या नया ड्रामा चालू कर रखा है तुमने माया। अरे तुम बोल क्यों नहीं रही हो। उस श्रेया ने तुम्हारे हस्बैंड को राखी बांधी और तुम चुपचाप यहाँ पे खड़ी हो। I can't understand. Oh my God, ये सब देखने से पहले मुझे हार्ट अटैक क्यों नहीं आ गया। ये क्या मेरे साथ दूम दम शिराज खेल रही हो तुम। एक मिनट, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम सच में बोल नहीं पा रही हो क्योंकि तुम्हारा मुंह बंद हो गया।
भगवान करे तुम्हारा मुंह बंद हो जाए। What? इसका मतलब मेरी विश पूरी हो गई? जो सोचा वो पूरा नहीं हुआ, पर जो कहा वो पूरा हो गया। मतलब मेरे मुंह से जो भी निकल रहा है वो सच होने वाला है। मुझे हार्ट अटैक आ जाए क्या? मुझे रियल में हार्ट अटैक आ गया है। देख रहे हो? अरे अपनी श्रेया जी हैं। जाओ बात कर लो, काटेंगे नहीं। कुछ भी, मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ। अच्छा, साले साहब बाद में हो, पहले भाई समझता हूँ। आपके दिल की बात समझता हूँ मैं, अभी भी दिल में श्रेया जी ही हैं। कुछ भी बोलते हो जीजे यार आप। सच बताओ, जिन्होंने आपकी जान बचाई है उन पे तो आप जान निछावर करोगे ना? बकवास करना बंद करो। ये क्या जान बचाई? What do you mean? हाँ, आपको कहाँ से पता चलेगा? क्या है कि आपकी वो हनी पाई वाइफ जो है वो क्रेडिट लेके चली गई ना, उस दिन जो आपका बीपी लो हुआ था ना, श्रेया जी ने आपको बचाया था। आपकी हालत देखी नहीं गई उनसे? मुझे क्या लगता है आप दोनों की प्यार की शुरुआत ना फिर से होनी चाहिए। हो गया, कुछ भी बोल देते हो अर्जी से आप। तो समझ के बोला करो, शादी हो गई है मेरी, ईशा मेरी वाइफ है। अरे कैसी वाइफ है, ऐसी शादी होती है यार? ये पिज्जा बर्गर की दुकान है, मांगा ये चल पिज्जा ला, खाया निकल लिया। सुपर फास्ट मोड में बिना सोचे समझे तो शादी कर ली आपने। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है सुपनाखा की बेटी ने क्या पट्टी पढ़ाया, राजी हो गया। बस जीजे, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इन सब का कोई फायदा नहीं करना डिस्कशन, खत्म हो गई बात। ईशा ही मेरी वाइफ है। श्रेया के बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेंगे आप, बिल्कुल भी नहीं। मेरा पास्ट है वो, चैप्टर क्लोज्ड, खत्म हो गई ये बात। साले साहब, प्यार की तेज हवा ना बंद हुए सारे पन्नों को खोल देगी, आप कितना भी मना करो। लेकिन आपका मन ना अभी भी श्रेया जी के चैप्टर पे ही अटका है। इसका मतलब जो भी बोल रही हूँ वो सच हो रहा है, मेरी विश पूरी हो गई। माया, तुम्हारी मां कुछ भी कर सकती है, बस मेरा बोलना बाकी है और वो पूरा हो जाएगा। इसका तो मुंह बंद है, मैंने ही किया था तुम्हारा मुंह बंद। अनिश, अनिश माया फिर से बोलने लगे। अनिश क्या हुआ आपको?
मॉम अब ठीक है ना? ठीक क्या हुआ ने? पता नहीं अचानक इन्हें हार्ट में बहुत पेन होने लगा. व्हाट? इज शी गोना डाई? टाइम कितना है इनके पास? स्टॉप इट नॉनसेंस. कुछ नहीं होगा मॉम को. चलो इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं. अरे नहीं हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत नहीं है. ए मुन्ना मैं बोलूंगी और आई विश मैं ठीक हो जाऊं. मेरा हार्ट अटैक चला जाए. मैं ठीक हो गई हूं. मॉम अब ओके. I'm perfectly fine. Mom, what was that? यहाँ नहीं, मेरे कमरे में बताऊंगी. Come with me. I'll tell you. Mom, what was that? ये क्या ड्रामा चल रहा है? बाहर आपने हार्ट अटैक का नाटक क्यों किया? एक मिनट. मैं तुम्हें लग रहा है कि मैं वो नाटक कर रही थी? Of course. No. मुझे रियल में हार्ट अटैक आया था. ओफो, अब तुम दोनों को मैं कैसे समझाऊं? ऐसे नहीं बता सकती. It's top secret. तुम लोग यकीन नहीं करोगी लेकिन मुझे एक सुपर पावर मिली है. भगवान ने मुझे वो क्या बोलते हैं वरदान वरदान दिया है कि मैं जो कुछ भी विश करूंगी मेरी विश पूरी हो जाएगी. I'm serious. मैं सच बोल रही हूँ. Trust me. मॉम आपने क्या सुबह सुबह कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि I'm out of my mind? अरे मैं सच बोल रही हूँ. मुझे हो तुम दोनों को कैसे यकीन दिलाऊं? एक मिनट. I will prove it. Okay? Just wait and watch. अब देखना एक विश मांगूंगी और फिर देखना मेरे विश का कमाल. क्या विश मांगू क्या विश मांगू क्या आई विश कि मैं एकदम स्लिम हो जाऊं. लाइक मॉडल लाइक दीपिका पादुकोण. सुपर डुपर स्लिम एंड ट्रिम. जीरो फिगर सुपर हॉट. क्यों? माँ ये क्या हुआ? मेनका की इच्छा क्यों पूर्ण नहीं हुई? बस अनजाने में श्री ने इस पर इच्छा पूर्ण करने के लिए ना कह दिया है किंतु ऐसा संयोग हर बार नहीं होगा. स्थिति अत्यंत ही विकट है क्योंकि मेनका की इच्छा किसी भी क्षण पूर्ण भी हो सकती है और यदि ऐसा हो गया तो वह इस घर को और सविता के परिवार को साथ लाने की आशा दोनों को ही नष्ट कर देगी. हुआ क्यों नहीं? अरे मेरे विश क्यों नहीं पूरी हुई? नहीं बंद करो हंसना बंद करो तुम लोग. मॉम रिलैक्स. गॉड के बिना अपने लिमिटेशंस होते हैं. मतलब सीधा दीपिका पादुकोण रियली मॉम. ओके
मजाक उड़ा रहे हो अपने मॉम का? हंस रहे हो मुझ पे? निकलो बाहर, निकलो मेरे कमरे से बाहर, जाओ। नहीं जाओ जाओ जाओ, नहीं नहीं चाहिए, जाओ जाओ बाहर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाओ, यू डोंट ट्रस्ट मी ना, जाओ जाओ बाहर जाओ। अच्छा हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि बिजनेस में लॉस के बाद मॉम कुछ हो गई है? वो ना एज की वजह से, बुढ़ापे में ना वो ऐसे ही सटी आ जाते हैं। चलो ऐसे कैसे हुआ? मेरी ये वाली विश पूरी क्यों नहीं हुई? बाकी की दो विशेष तो पूरी हो गई। मैंने कहा था माया का मुंह बंद हो जाए तो उसका मुंह बंद हो गया। मैंने गलती से कह दिया कि मुझे अटैक आ जाए तो मुझे रियल में हार्ट अटैक आ गया। और अभी मैंने कहा मैं स्लिम हो जाऊं तो मैं स्लिम क्यों नहीं हुई? ओहो, ये क्या चल रहा है? आई थिंक मैं ही गलत सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ। ये क्या चल रहा है माता? हाँ, क्या गेम खेल रही है आप मेरे साथ? आपको प्यार ही नहीं है मुझसे, यू डोंट लाइक मी ना? That's not done. It's not fair, ना? अगर आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे पनिश कीजिए, दीजिए मुझे पनिशमेंट। थप्पड़ मारी है मुझे, लेकिन ऐसे गेम्स तो मत खेलिए ना। मारे मारे थप्पड़ मारे आप मुझे। थप्पड़ थप्पड़ कितने मारा? ये क्या? मेरी समझ में आ गया। मेरी विश पूरी हो रही है, आप मेरी विश पूरी कर रही है। थैंक यू धन्य है माता, आप धन्य है, धन्य है, आप सो हैप्पी हो। मेरे पास सुपर पावर है। मैं जो भी विश करूंगी वो सच होगा। अब इस सुपर पावर से मैं उस श्रेया को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। आई विश कि मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाए। इन 10 करोड़ रुपयों में से कुछ पैसे उस श्रेया के मुंह पे मारूंगी और फिर उसे इस घर से गेट आउट करूंगी। अब तुम आई विश के मेरे थप्पड़ बंद हो जाए। पुराने से सेकंड हैंड टॉय वाले कार से क्या करोगे तुम? तुम तो प्रिंसेस हो ना, तुम्हारे लिए तो दादी नई वाली सच की कार लाई है। आहा, शक्ल से बुद्धू दिखती हूँ मैं। अरे जाके देख लो ना, कार खड़ी है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉयज हैं, फिर सुंदर डॉल है, सुंदर फ्रॉक भी है। रियली अगर सविता कार लाती तो पता चलता ना, दिखते ना। देखो, अरे दिखेगी ना मेरा, गेट के बाहर तो जाओ। ठीक है, पीछा छूटा। दीदी क्या उल्लू बनाया है मायरा को? वाह आशा, तुम तो सच बोल रही थी, ये कार तो कितनी कूल है ना। अंदर के सामान के बारे में मालूम था? नहीं। वाव, ये देखो कितना प्यारा टॉय है। दीदी वाव। बच्चों थैंक यू दादी।
क्या कहा तुमने मुझे? दादी। मेरे कान तरस गए थे तेरे मुंह से दादी सुनने के लिए। मुझे आपका सरप्राइज गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। सरप्राइज गिफ्ट? अरे कौन? आप लाए हो ना मेरे लिए? आशा ने बताया मुझे कितनी प्यारी है और इसमें टॉयज भी है। कार? मैं कहाँ से लाई कार? आप मत बनो दादी, आपका सरप्राइज पता चल गया मुझे, आशा ने मुझे सब बता दिया। आशा ने? कहीं श्री ने कुछ चमत्कार तो नहीं कर दिया? पर उसे तो कंगन पहनाया था मैंने, ये कैसे हो सकता है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.